हेलो रोन कैसे आप हो आप लोग आई होप भाई हमेशा की तरह आप लोग गर्दा उड़ा रहे हो और आज गर्दा उड़ाने के लिए जो हम लेके आए फोन भाई पहले से ही बोल सकते हैं भाई लावा ने भाई गर्दा उड़ा के रखा मार्केट में इस प्राइस सेगमेंट में मतलब कि अंडर फिफ्टी थाउजेंड में वो फोन ऐसा कैसा बना ले रही है हम लोग को खुद नहीं पता और ये फोन जो है लावा का स्ट्रोम फाइव जी में आया है जो कि आठ तो जी बी नया एक इंटरनल के साथ आता है और इतना ही नहीं भाई कार्ड डिस्काउंट के बाद ग्यारह हज़ार में आने वाला है तो भाई बारह के अंदर आने वाला है क्या ये सबसे बेस्ट फोन है तो आज इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे भाई कि ये फोन जो है कितना गर्द उड़ाता है वैसे अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग आपको हेल्प करते हैं एक अच्छा कैमरा फोन लेने में तो आज हम लोग आपको इस फोन का रिव्यू कर रहे हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो वैसे ये फोन जो है अमेजोन पर मिलने वाला है अलावा के ई स्टोर पर मिलने वाला है ट्वेंटी दिसंबर को और ये फोन जो है पैक ग्लास डिजाइन के साथ आता है इस प्राइस सेगमेंट में जो कि बहुत कम मिलता है इसके पहले भी हम लोगों ने लावा के फोन में देखा था ब्लेज टू में देखा था कि भाई उसमें क्लास डिजाइन आता है और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है और ये काफ़ी प्रीमियम फील देता है भाई अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो भाई ये है 6.78 इंच का फुल एच टी प्लस आई डिस्प्ले जो कि 120 ट्वेंटी हर्ट्स के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और हम लोगों ने जितना भी टेस्ट किया आउटडोर विजिबिलिटी ये तो नहीं बोलेंगे कि बहुत हाई एंड का मिलेगा लेकिन हाँ जितना है उतना सफिशियंट है धूप वगैरह में आप आराम से यूज कर सकते हो पंच होल है तो वो भी प्रीमियम काफी फील देता है वाइड माइंड एलवन का भी सपोर्ट है यूट्यूब पे फोर्टीन का वीडियोज प्ले करता है टेन आपको नेटफ्लिक्स पे भी प्ले हो जाता है हाई रेजोल्यूशन ऑडियोज भी दे देता है तो भाई आपको इंटरटेनमेंट में इस फोन में सोचना नहीं पड़ेगा जिनका बजट कम है और इंटरटेनमेंट उनको पूरा एकदम जोरदार वाला चाहिए तो उस जगह पे ये फ़ोन जो है गर्द उड़ाने वाला है तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो या फिर हेवी टास्क एडिटिंग वगैरह करते हो तो इसके लिए भाई मीडिया टेक डायमेंसिटी दिया गया है और ये काफी अच्छा प्रोसेसर है चार लाख बीस हजार प्लस आपका आनती तो स्कोर है इनफ होता है आपके एवरी डे लाइफ के लिए और आठ जीबी रैम एक सौ अट्ठाईस जी बी है और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो रैम को आप करीब सोलह जीबी बना सकते हो आठ जीबी को एक्सटेंड करके और एक टीवी का एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी है वैसे कॉलिंग वगैरह के लिए तो सब कुछ ठीक है इतना ही नहीं इसमें डुअल माइक भी दिया गया है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए और हाई रिजोल्यूशन ऑडियो भी दिया गया है स्पीकर जो है वो काफी लाउड है सिंगल स्पीकर है लेकिन काफी लाउड है और अगर आपको भाई कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस है छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है एप्स में जाना है अल्टरनेट डायल

भी प्रीमियम फील देता है और इस मामले में भी लावा ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है तो आपका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और चार्जिंग का एक्सपीरियंस और बैटरी का एक्सपीरियंस तीनों बहुत बढ़िया होने वाला है एक फोन में सब कुछ अच्छा हो और सॉफ्टवेयर अच्छा ना हो तो भाई फोन प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहां पे लावा ने इस जगह भी ब्लोटवेयर फ्री एंड्राइड 13 क्लीन ओएस देते हैं ये लोग कोई भी आपको एक्स्ट्रा फालतू ज्यादा ऐप नहीं मिलता है और कुछ कुछ ऐप्स तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन एंड का एक्सपीरियंस मिलेगा और जो कि इस प्राइस सेगमेंट में मिलना भाई काइंड ऑफ आप कह सकते हो इम्पॉसिबल है और इसके साथ साथ लावा फ्री होम सर्विस दे रही है अगर फोन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फ्री होम सर्विस भी है ऐसे इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो नहीं मिलने वाला था लेकिन हाँ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है जो कि भाई इतना फास्ट है जितना हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे काफी फास्ट खुलता है बंद होता है मतलब आप बहुत फास्ट अनलॉक कर सकते हो फोन को और फेस अनलॉक वगैरह भी मिल जाता है तो अगर बात करें भाई कैमरा का तो यहाँ पे भाई हम लोगों पीछे दो दो कैमरास मिल जाता है एक है प्राइमरी जो कि वाइड एंगल 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर वाला मेन कैमरा है प्राइमरी कैमरा जिसको आप बोल सकते हो वाइड एंगल कैमरा जिसको आप बोल सकते हो और भाई ये कैमरा जो है बहुत ही बढ़िया मतलब 12000 के रेंज में अगर आप कोई फोन लेते हो ना आई डोंट थिंक कि आपको इस तरीके का फोटोज़ मिल पाएगा हम ये तो नहीं बोलेंगे कि बहुत ही बढ़िया फ़ोटोज़ ले लेता है लेकिन हाँ जिस प्राइस सेगमेंट में है प्राइमरी कैमरा में जो होना चाहिए परफेक्ट वैसा ही डिटेलिंग वगैरह फोटोज़ वगैरह डायनेमिक रेंज और ह्यूमन सब्जेक्ट्स को आप देखो ह्यूमन सब्जेक्ट में इतना अच्छा किया हुआ फोटोज़ शायद ही कहीं आपको मिले एक्सपोजर हैंडलिंग बहुत बढ़िया है बहुत ज़्यादा फेस को ब्राइट नहीं करता नॉर्मल डे टू डे लाइफ के फ़ोटोज़ में और हम लोगों ने लो लाइट में भी फोटोज़ क्लिक किया वो भी काफ़ी अच्छा है नाइट मोड मिल जाता है लो लाइट में आप फोटोज़ वगैरह ले सकते हो तो कहीं भी हमको ऐसा कुछ इश्यू फील नहीं हुआ इवन फ्लैश के साथ भी हम लोगों ने फोटो लिया था वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हैंडल किया तो इन सब प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो ये अच्छा प्राइमरी कैमरा है जिसमें आप डे टू डे लाइफ में अच्छा फोटोज़ निकाल सकते हो तो ये अच्छा चीज़ लगा कि बहुत ज़्यादा कलर बूस्ट नहीं कर रहा है नॉर्मली फोटोज जो है बहुत बढ़िया आता है तो जैसे ही आप कैमरा ओपन करते हो तो ऊपर में ए आई ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है एच डी आर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है बाई डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है आप उसको ऑन कर लेना बेटर रहेगा कुछ फिल्टर्स वगैरह मिल जाता है सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग में बहुत कुछ है वाटर मार्क वगैरह ऑन करने का ऑप्शन है और वीडियो में जाओ, जाओगे तो बाई डिफॉल्ट ई आई एस ऑफ रहता है तो आप उसको ऑन कर लेना माइक्रोफोन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है यहाँ पे और भी काफी कुछ एफ पी एस वगैरह कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाएगा इसके साथ साथ यहाँ पे नाइट मोड भी अलग से दिया गया है एक फिल्म मोड है जिसमें जाके आप काफी तरीके का इफेक्ट जो है वो आप यूज कर सकते हो बाई डिफॉल्ट यह

यहाँ पे लावा ने 8 मेगापिक्सल का f2.2 टू अपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड लेंस दे दिया है कि आप अल्ट्रा वाइड अगर फोटोग्राफी के शौकीन हो तो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल चाहिए चाहिए और यहाँ पे लिया हुआ का फोटोज जो है वो भी काफी बढ़िया है कलर्स बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं करता है अन कलर्स नहीं है तो डेफिनेटली भाई लावा ने ऑप्टिमाइज किया पहले के हम लोगों ने लावा के फोन में देखा तो एक दो में प्रॉब्लम था लेकिन यहाँ तक आप देखो अल्ट्रा वाइड में भी इतना अच्छा फोटोज ले लेना हाँ कभी कभी आपको फेस देख के बहुत ज्यादा ब्राइट करने लगता है फोटोज को तो ठीक है आप एक चीज़ का ध्यान रखना हम लोगों ने जो फोटोज़ दिया था वो एच ऑफ करके लिया था क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग में वो बंद ही आता है तो आप ट्राई करना कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग से आप एच ऑटो या फिर ऑन कर लेना तो थोड़ा बेहतर और डायनेमिक रेंज और थोड़ा सा एक्सपोजर हैंडिंग जो है बेहतर हो जाता है तो वैसा ही कुछ फोटोज़ जो है आपको अल्ट्रा वाइड में है तो इस चीज़ में आप एच ऑन करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा और लो लाइट में बेटर है कि आप इससे फोटोज ना लो प्राइमरी कैमरा से ही फोटोज लो क्योंकि अल्ट्रा वाइड में नाइट मोड नहीं है तो कहीं लाइट वाला ही फ़ोटोज़ हो तभी आप लेना उसमें तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया और पोर्ट्रेट मोड में लिया गया जो भी फोटोज़ था अच्छा खासा पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है एज सिलेक्शन ठीक ठाक है 90 परसेंट फोटो में आपको अच्छा एज सिलेक्शन वगैरह मिल जाएगा और यह है कि कभी कोई फेस को ब्राइट भी करता है लेकिन ठीक है जिस प्राइस सेगमेंट में है जिस तरीके का फोटोज लेता है ये बहुत बढ़िया है और डे टाइम फोटोज तो काफी अच्छा था लेकिन भाई लो लाइट का आप दो फोटोज देखो ये दोनों फोटोज देख के भाई इसके फैन हो गया हमको लगा ही नहीं कि भाई लो लाइट में लिया हुआ फोटोज है इतना अच्छा एक्सपोजर के साथ तो अगर फ्रंट कैमरा का बात करें तो सिक्सटीन मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा है एफ टू के साथ और ये फ्रंट कैमरा से लिया गया फोटोज आप साइड बाई साइड देख सकते हो कि एक साइड में आपका नॉर्मल मोड में है और एक साइड में आपका पोर्ट्रेट मोड में है तो भाई एक चीज़ हमको काफ़ी बढ़िया लगा कि आप इसमें मल्टीपल लोगों को भी आप अगर पोर्ट्रेट मोड में लेते हो तो आपको आ, एज सेलेक्शन का इशू नहीं होगा लोगों को हैंडल कर लेता है ये और फ्रंट कैमरा अच्छा है आपको फेस चिकना विकना करके देगा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है भाई आजकल के टाइम में ऑलमोस्ट हर फोन देते हैं और ये कम बजट में होते हुए भी इतना अच्छा प्रोसेसिंग करके दे रहा है एक दो जगह स्ट्रगल करता है ऐसा नहीं बोलेंगे एक दो जगह स्ट्रगल करता है लेकिन आपको 100 में से 90 परसेंट सिचुएशन में आपको अच्छा फोटोज़ निकाल के देगा बस आप अवॉइड करना लो लाइट में फ्लैश के साथ लिया हुआ फोटोज़ बाकी डे टाइम में जितना भी हम लोगों ने फोटोज़ लिया था वो ठीक था बस लो लाइट का जो एक दो फोटोज़ था उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल किया था तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आपको अगर फ्रंट कैमरा का फोटोज़ लेना है तो नॉर्मली मोड में लो नॉर्मल मोड में नाइट मोड में आप फोटोज जब लोगे तो वो काफी अच्छा रिजल्ट निकाल के जाएगा फ्लैश को अवॉइड करना फ्लैश के बिना फोटोज लो अच्छा फोटोज निकल के आता है तो अगर बात करें भाई हम लोग वीडियोज़ का तो भाई वीडियोज में आपको यहाँ पे टू मिल जाता है वो भी ई के साथ आप स्टेब्लाइजेशन देख सकते हो ये काफी बढ़िया स्टेबल शॉर्ट निकाल के देगा अगर आपके पास गिम्बल है तो आप ई बंद कर दो काफी वाइडर व्यू दे देगा क्योंकि भाई आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा इसमें अल्ट्रा वाइड पर वीडियोज नहीं शूट कर सकते सिर्फ प्राइमरी कैमरा मिलता है और इतना ही नहीं टू के का वीडियो आपने देखा और इसमें क्वालिटी तो आप देख ही सकते हो काफी बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगा जहाँ दूसरे फोन जो है टेन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं टेन एटीपी थर्टी मैक्सिमम मिलता है यहाँ पर टेन एटीपी सिक्सटी पी का भी सपोर्ट है सिक्सटी एफ भी आप ले सकते हो वो भी ई ऑन करके तो ये सब चीज़ें जो है वीडियो को भी नेक्स्ट लेवल लेके जाता है मतलब बारह के फोन में टू के थर्टी और टेन ए टीपी सिक्सटी दोनों वीडियो मिल जा रहा है तो डेफिनेटली बोलेंगे ये काफी बढ़िया चीज़ है लोलाइट में बस आप ध्यान रखना ई आई एस की वजह से थोड़ा सा जिटरिंग दिखेगा तो बेटर है अगर आपके पास कोई गिम्बल वगैरह हो तो ई आई एस ऑफ करो गिम्बल के थ्रू शॉट लो बहुत ही बढ़िया वीडियोज़ आपको निकल के आएगा तो हम वीडियोज़ के मामले में भी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डेफिनेटली इसको बोलेंगे बहुत ही बढ़िया तो ये फ्रंट कैमरा का वीडियो आप देख रहे हो और ये टेल ए पी थर्टी ए एस तक लिमिटेड है यहाँ पर कोई टू के या फोर के का ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं है बट स्टिल इट्स अ गुड कैमरा अगर आप नॉर्मली छोटा मोटा ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए और ऑडियो क्वालिटी भी अच्छा लगा था अभी तक तो हम लोगों ने जितना भी ऑडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड किया था वो अच्छा लगा था अगेंस्ट द लाइट है बट अच्छा है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा डायनेमिक रेंज नहीं मिलेगा बट फेस को ब्राइट रखता है फेस को डार्क नहीं करेगा और ये धूप के साथ है थोड़ा सा एक्सपोजर हैंडलिंग में कभी कभी इशू होता है बट ठीक है भाई इस प्राइस में आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो तो अच्छा फ्रंट कैमरा बोल सकते हैं तो अगर स्लो मोशन का बात करेंगे तो यहाँ पे सेवन ट्वेंटी भी स्लो मोशन मिल जाता है और उसका क्वालिटी बढ़िया है आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा ये अच्छा चीज़ लगा है तो यहाँ पे आपको टेन टीबी स्लो मोशन नहीं मिलता है लेकिन 720p मिल जाता है तो फाइनली हम लोग रिव्यू करने के बाद जो चीज देख पा रहे हैं सेवेंटी नाइन परसेंट बैटरी है स्क्रीन ऑन टाइम जो है घंटे एक इक्कीस एक मिनट है बहुत हेवी आ, कैमरा यूज हुआ मतलब ब्राइट सनलाइट में थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने गेम भी चलाया है आ, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको छह घंटा तो आराम से बैटरी का स्क्रीन ऑन टाइम जो है वो मिल जाएगा अच्छा बैटरी बैकअप आप कर सकते हैं तो भाई फाइनली एक चीज बोल सकते हैं कि जिसका बजट टाइट है और उसको अच्छा फोन चाहिए तो ये फोन जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में से आप देख सकते हो करीब ग्यारह हज़ार नौ सौ निन्यानवे अगर आप कार्ड डिस्काउंट वगैरह सब कुछ मिला के देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए और अगर उसके बिना भी देखोगे तेरह हज़ार चार सौ निन्यानवे तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको शायद ही कोई फ़ोन इतना फीचर और इतना प्रीमियम डिज़ाइन सब कुछ के साथ मिलेगा तो डेफिनेटली बोलेंगे कि लावा ने तो यहाँ गर्दा उड़ाया है आप भी गर्द उड़ाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय